आपका नाम क्या है और आपने मैं गुजरात सौराष्ट्र के अंदर रहता हूँ, मेरा नाम दिलीप भाई है। मैंने प्राकृतिक खेती इसीलिए पसंद की है, हमारे पूर्वजों की बात की, भारतीय संस्कृति की बात की जाए और हमारे देश की बात किया जाए तो हमारे देश खेती प्रधान देश थे। हमारे देश में कभी भी रासायनिक खाद भी नहीं थी, फर्टिलाइजर और रासायनिक दवा भी नहीं थी, फिर भी धान पैदा हो रहा था और इसी हिसाब से हमारे देश की मनुष्य की जो एवरेज लाइफ है वो 100 के आसपास थी। अभी इतने डॉक्टर है और इतने अच्छे तरीके से हम धान पका रहे हैं लेकिन हमारी आयुष्य कम हो रही है, इतनी बीमारी फैल रही है, तो इसका क्या का रीजन है? तो बहुत सा रीजन सर्वे करने के बाद ये रीजन आया है कि पेस्टिसाइड दवा और रासायनिक खातर उसका पूरे पूरा इसमें भाग है। हम पंजाब की बात किया जाए, हमारे देश का वो हिस्सा है कि जहाँ से कैंसर वाली स्ट्रेन राजस्थान में डेली आ रही है, तो वो कैंसर वाला आदमी को कैंसर ज्यादा क्यों हो रहा है तो उसका पेस्टिसाइड दवा है। तो ये पेस्टिसाइड कम करने के लिए हमने रासायनिक खाद बंद करने के लिए हम प्राकृतिक गाय आधारित कृषि करने का निर्णय लिया।